पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक, जिसे आज हम हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं, केवल किसी व्यक्ति विशेष के सिंहासन पर बैठने की घटना भर नहीं थी, बल्कि वो समाज और राष्ट्र की भावी दिशा तय करने वाली एक युगांतकारी घटना थी। हिंदू साम्राज्य दिवस हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदू साम्राज्य, संस्कृति, सभ्यता और सौहार्द के प्रति जागरूक करना है। इसके बारे में आरएसएस का मत है कि जिस दिन महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, उस दिन से हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू साम्राज्य दिवस पर अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत की। इस अवसर पर शिवाजी का राज्याभिषेक जिस दिन हुआ था, उस दिन देश में हिंदू समाज की दशा हिंदुओं के मन से ऐसी स्मृति लिप्त हो चुकी थी कि हिंदू भी राजा होते थे। उनके उन बच्चों का जीवन हमारे सामने रखा जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए और दीवारों में चले। हमने बंदा बैरागी का जीवन देखा, ऐसे अनेक महापुरुषों का जीवन देखा जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राण दिए, अपने राष्ट्र के लिए। छत्रपति शिवाजी का वो कालखंड ऐसा था जब चारों ओर औरंगजेब की सत्ता थी और दूर आतंकवादी आक्रमणकारी हमारे देश के हिंदुओं को प्रदेश, यानी ये किसकी कोई अपना औचित्य और अस्तित्व तो नहीं, ऐसा जिन्होंने दुनिया ने हमारे सामने हमारा स्वरूप रखने का प्रयास किया, हम तो जीत नहीं सकते, हम किसी पर शासन कर नहीं सकते, दुनिया में हम कहीं जा ही नहीं सकते, जो आया उसी ने लूटा, जो आया उसी ने पीटा और धीरे 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 हम अपने आप को दिक्कत से होते रहे। आज हमारे मन में आप देखिए सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हमारे मन में हम डिफेंसिव क्यों हैं, आक्रमण करना चाहिए, ऑफेंसिव आना चाहिए। आज के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं हम वो ऑफेंसिव आ रहे हैं। आक्रमकता अगर हमारे मन में नहीं रहेगी, आप देखो हम कई बार सामने वाला दुश्मन आपकी आंखों की रोशनी को देखकर, चमक को देखकर तय हो जाता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।